इंटेक्स का ये बूफर है और ये कॉमन बूफर है, आप मेरे साथ में इसका स्पीकर आता है दो ठो, ये देख सकते हैं। और इसका मैंने आगे में भी खोल कर रखा हुआ है, और इसको मैंने ब्लूटूथ वाला स्पीकर बनाने के लिए इसे खोला था, लेकिन इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका जो सब बूफर है अंदर में वो दिख रहा है वो काम नहीं कर रहा। अगर मैं आपको सब बूफर वाले में सटा के दिखाऊँ ये स्क्रू ड्राइवर, तो इसमें कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, देखिए कोई भी आवाज़ कहीं भी से भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, पहले स्पीकर ख़राब है कि क्या ख़राब है वो चेक करना होगा हम लोगों को। तो मैंने एक स्पीकर लिया हुआ है ये, और इसमें पहले कनेक्ट करके देखेंगे कि इसमें हल्का सा कम करके आवाज़ कि आ रहा है कि नहीं वो चीज़ चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है दो वायर से, वहीं पर से कनेक्शन आप देखेंगे अगर इधर जैक लगा हुआ है वो स्पीकर का अंदर भी जो बूफर है उसका, ठीक है। तो इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया बाहर से ये वाला स्पीकर, और मैं आपको दिखाता हूँ अगर इसमें अगर मैं लाइन देता हूँ, ठीक है, तो उसमें आवाज़ आएगा, देखिए ठीक है, इसमें लाइन दे दिए। और उसके बाद जब यहाँ पर अगर इसका सिग्नल वाला जो पिन है इसमें अगर मैं टच करूँगा तो इसमें आवाज़ आएगा, ठीक है। लेकिन वो जो अंदर में बूफर है उसमें आवाज़ नहीं आ रहा, मतलब यही है कि वो ख़राब हो चुका है, कोई वायर ख़राब होगा या फिर अंदर से कटा होगा, तो वो चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसको मैं पहले फिर से खोल देता हूँ, और खोलने के बाद ये जो वायर्स हैं, ये जो दोनों वायर्स मैंने कनेक्ट किए हुए हैं, इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ। और डिसकनेक्ट करने के बाद इसको मैं एक ही हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये खुल गया है, इसको हम अलग कर लेते हैं, वो चेक हो गया है। अगर आपके पास में नया है तो नया आप चेंज कर सकते हैं, अगर वो ख़राब होगा तो, नहीं होगा तो फिर उसको वायर हो सकता है कहीं से कटा हुआ हो। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ कि इसको पहले पलट के, इसको इस साइड से पलट के, और जितने भी इसका जो कनेक्शन है ये तो नहीं खोलने की ज़रूरत है, इसमें लगा हुआ, ठीक है। तो ये जो अंदर से इसका कनेक्शन है उसको हम लोगों को यहाँ से खोल लेने का, ठीक है। तो पहले तो हम पावर केबल को हटा देते हैं, पावर केबल हटाने के लिए यहाँ पर से थोड़ा उठाना पड़ता है अंदर से, उसके बाद ये खुलता है। तो दो हाथ का काम है, अब मेरे पास है एक हाथ क्योंकि एक हाथ से फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। तो ये खुल गया, और उसके बाद फिर यहाँ से भी खुलेगा ये, और आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर में और भी है जैक। पहला बात है, दूसरा जैक कहीं और लगेगा ही नहीं क्योंकि इसमें एक दांत वाला दो जैक नहीं है, जिसमें ये देखिए इसमें तीन है और इसके पीछे वाला बूफर वाला ही है, इसमें दो है। अगर इसको हम लोग हटाते हैं पीछे तो इसमें कुछ है नहीं उस प्रकार का। ये देखिए ये जो किट है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का किट है, इंटेक्स बहुत दिन से इसका इस्तेमाल कर रहा है और भी कंपनी यूज़ करती है, और ये जो किट है ये पूरा मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन बहुत सारा फंक्शन इसमें नहीं मिलेगा, जैक नहीं लगा रहता उसमें, लगा हुआ मिल सकता पता नहीं, मैंने जब भी लिया वायर कनेक्ट करने के लिए देता है, और ये ट्रेबल वाला कनेक्शन नहीं रहता उसमें, बनाना पड़ेगा आपको अपने से। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें ना 20-30 IC का इस्तेमाल किया गया है, 20-30 IC। अब 20-30 IC वाला जो एम्पलीफायर होता है हमको लगता है कि अच्छा रहता है वो। तो ये देखिए इसका अंदर में इस तरह से कनेक्ट है, और बूफर को बाहर निकालने के लिए यहाँ ये ट्रांसफार्मर को भी निकालना पड़ता है। तो ये देखिए ये वाला जो है ना ये है बूफर का वायर, बूफर का वायर को अगर हम लोग देखें सही से तो कहीं से कटा हुआ नहीं दिख रहा, अगर हो सकता है तो अंदर से ही कुछ हुआ होगा, अगर बूफर से ही कुछ हुआ होगा, वायर ठीक है इसका, वायर कहीं से भी ख़राब नहीं है। तो पहले अब देखिए इसको खोलने के लिए क्या करना होगा, इसको पलटना होगा, ठीक है। देखिए इसको पलट के यहाँ पर दिखा देता, देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे पलट के, और पहले तो उसको निकालना होगा यहाँ से स्क्रू जो है दूठो है, इससे मैं टाइट किया हुआ तो उसको खोलना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर से लेके आप इसको खोल लें पहले। तो हम भी पहले खोल लेते हैं, उसके बाद आपको इसके आगे दिखाते हैं। देखिए मैंने ट्रांसफार्मर को निकाल लिया है, ये ट्रांसफार्मर है, इसको निकाल लिया यहाँ पर से खोल के पीछे से, और इसका पूरा डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि सब कुछ में जैक लगा हुआ है इधर से, देखिए ठीक है। तो ये एक डिस्कनेक्ट हो गया, अब आराम से आप इसको यहाँ से स्क्रू को खोल सकते हैं, और खोलने के बाद इसको निकाल सकते हैं, और वहीं से चेक कर सकते हैं कि इसका वायर ख़राब है कि क्या ख़राब है, तो हम आपको दिखा देते हैं खोल के, ठीक है। तो खोलने के लिए पहला आपको स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा जिसका आगे में ये फोर हेड हो, और उसके बाद फिर यहाँ पर से इसे खोलना होगा। आपका समय बर्बाद ना हो इसीलिए मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, या फिर मैं इसको खोलने के बाद आपको फिर दिखाता हूँ। मैंने इसको खोल लिया है वहाँ से स्क्रू से निकाल के, और ऐसे रखा हुआ है, और अगर आप हम लोग इसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड में करके, अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड में करके रखते हैं, जिससे कि सटाने पर बज़र आवाज़ आता है, उसको हम लोग अगर रख के और चेक करके देखते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग रख के सटा रहे हैं तो ये इस तरह से आवाज़ आ रहा है,
ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर सेम सेम इसी तरह से यहाँ सटाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी कंटिन्यूटी मोड का आ रहा है, ठीक है। लेकिन हो ये रहा है कि इसको हम लोग अगर जब ऑन करते हैं तो देखिए आपको दिखाते हैं, इसमें कनेक्ट करके आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। जो कनेक्शन है इसका एक किट में हम लोग अगर लगा देते हैं यहाँ पे, देखिए दिखाते हैं इस तरह से, हम एक हाथ से लगाने दिख नहीं रहा, हाँ ठीक है, देखिए ये यहाँ से लगा दिए हैं। और उसके बाद अगर हम इसमें लाइन देते हैं तो हल्का सा आवाज़ आएगा, ठीक है, हल्का सा साउंड नहीं आया। लेकिन देखिए इसमें अगर हम लोग इसका जो किट है उसमें अगर हम लोग सटाते हैं इसमें कुछ, तो उस सिग्नल जिससे जाता है सटाते हैं अगर, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये आवाज़ नहीं आ रहा है। लेकिन इस यहाँ छू देंगे अगर चलते चलते तो करेगा, देखिए आवाज़ आ रहा है, देखिए देखिए ठीक, हल्का अब नहीं आ रहा, आ रहा था तो अब नहीं आ रहा। देखिए इसको हम लोग ऊपर करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे देखिए हिल रहा है, आवाज़ भी आ रहा, तो ये कब होता है, देखिए फिर इसको बाद दोबारा करेंगे तो ये कट जाएगा, नहीं हुआ है ना। तो ये कब होता है, जब आपका इस जो बूफर है उसका वायर कहीं से कट जाता है, ठीक से नहीं काम करता, ये वाला जो दिख रहा है आपको ये वायर, ये वायर जो रहता है वो क्या होता है ना, जंप कर करके कट जाता है, जिस वजह से काम नहीं करता है ठीक से, ठीक है। तो अगर आप बस में ये वायर है वो चेंज कर सकते हैं, ये कॉइल भी कट जाता है कभी कभी, लेकिन इस पर कॉइल कटा हुआ तो नहीं लग रहा, हमको लग रहा है कि ये वायर जो है यहाँ से वो ख़राब हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ से डिसोल्डिंग करके उसको फिर निकाल के उसको रिपेयर करते करने के बारे में आपको दिखाते हैं किस प्रकार से होता है। देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, ठीक है, और इसको निकालने का देख लिया है, 2012 का लग रहा है ये बना हुआ है, मतलब बहुत पुराना है। उसके बाद से एक बार भी नहीं खुला था क्योंकि मैंने जब इसका स्क्रू खोला पीछे से तो उसमें सील लगा हुआ था, ठीक है, तो बना नहीं है कभी, तो हो सकता है कि रखा रखा ये टाइट होके यहाँ से ख़राब हो गया। देखिए ये बीप बीप कर रहा है आवाज़, तो अभी अगर हम सटा के देखते हैं तो अभी देखिए ये मेरा इसमें रीडिंग शो कर रहा है, अगर मेरा फ्रेम नहीं दिख रहा है इसमें, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसमें देखिए मैं सटा रहा हूँ तो इसमें क्या रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, रीडिंग शो कर रहा है। तो अब हम लोग को चेक करना किस साइड वाला ख़राब है, तो हमको क्या करना होगा कि एक स्क्रू लेना होगा, स्क्रू ड्राइवर या कुछ भी हिलाने के लिए। देखिए इधर वाला हिलाने पर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन इधर वाला अगर हिलाते हैं तो ये इसका रीडिंग बढ़ता है, ठीक है, और हो सकता है कि उसी साइड, देखिए अभी अभी क्या है, अभी बताने लगा ये, अगर इसको हिलाते हैं तो हो सकता है कि ये बताए, देखिए ना, देखिए तो मतलब इस साइड वाला जो वायर है उसी में कुछ प्रॉब्लम है, उसी को हम लोगों को देखना होगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं इसको और उसके बाद फिर चेक करते हैं। तो इसको हम लोग पहले खोल लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग खोल लेते हैं, इस साइड वाला को प्रॉब्लम इसी में हो रहा है, तो उसको खोलने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इसको गलाना होगा, गलाने का जगह यहीं पर है इसका, ठीक है, तो इसको खोलना होगा, तो इसको पहले गला लेते हैं भाई अच्छे से। और मेरा अगर वीडियो वीडियो फ्रेम में से कट रहा है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा ज़रा, क्योंकि दिखता नहीं है साइड में कैमरा, ये निकल गया देखिए है ना, पीछे साइड से निकाल दिया इसको और दिख रहा होगा इसमें है ना, देखिए ये निकल गया। और इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे अगर तो फिर से, तो यहाँ पे इतना जो इतना एरिया है इसके आगे घिस के फिर से लगा देंगे तो ये हो सकता है चालू हो जाए, अगर आगे से वहाँ से कटा हुआ होगा तो उसका कोई उपाय करना होगा, दूसरा वायर लगाना होगा इस प्रकार का। तो इसको कंटिन्यूटी मोड में करके हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर से आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये देखिए ये इसमें इसमें अभी भी थोड़ा सा रीडिंग शो कर रहा था, ठीक है, रीडिंग शो कर रहा, बीप बीप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है अगर हम लोग इसको हिलाते हैं, ठीक है, हिलाते हैं तो हिलाने से भी नहीं हो रहा, मतलब वहाँ से ख़राब नहीं है, इधर से ही कहीं पर से इसका रेजिस्टेंस यहाँ से वायर वर कटा होगा इधर इस साइड से, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ना और लगा लेते हैं और घिस लेते हैं थोड़ा सा ब्लेड से, देखते हैं ब्लेड से घिस के कि रीडिंग आ रहा है कि नहीं यहाँ से, अगर नहीं आएगा तो इसको वायर को पूरा चेंज कर देंगे। और ये वाला वायर जो है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तो फिर ये क्या होता है कि जब जंप करता है तो कट जाता है, अब मेरे पास में इस तरह का होगा नहीं, इसीलिए फिर इस यही वाला को ठीक करके लगाना चाहिए। मेरे पास सिर्फ स्पीकर वाला है लेकिन ये वाला मोटा है, ये नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं उसको उस प्रकार से घिसने के बाद कि अगर वहाँ से बता रहा है तो समझ लेना है कि ठीक है।
ये देखिए, हिलाने से तो नहीं बता रहा, मतलब ये जो है यहाँ पर से घिस के अगर हम लोग ठीक से लगाएंगे इसको तो हो सकता है ये। देखिए देखिए, अब हिला रहे तो नहीं हिल रहा, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा। मतलब ये है कि यहाँ पर से इसको अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे करके इसको अगर सोल्डिंग कर देते हैं तो ये काम कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले ये जो होल है इसको फिर पहले से खोल देना होगा। ये जो होल यहाँ पर है इसको खोलना होगा। आपको कैमरा में ठीक से नहीं दिख रहा क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो बहुत ऊपर है, देखते हैं एडजस्ट करके अगर हो जाता है तो। ये जो होल है इसको पहले हम लोग खोल लेते हैं, और इसको खोलने के लिए पहले हम लोग को यहाँ पर सोल्डिंग आयरन से थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इस साइज का तो था ही, हो गया ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हो गया है जब क्लियर, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं और ठीक है। देखिए यार, ये बहुत बहुत हीट है, ऐसे छूछाने मत दीजिएगा, ठीक है। इसका जो था जो ये रेशम चिपकने लगा है, इसको निकाल लेते हैं। देख इतना सारा इसमें था ये, तो अब हम लोग इसको लगा देते हैं वापस यहाँ पे होल में डाल देते हैं। इसमें देखिए चिमटा उमटा का बहुत ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे घुसता नहीं है। देखिए घुस गया है। अब इसको थोड़ा सा आपको बताए थे पहले, इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे तक लेना है, इसको यहाँ पे यहाँ तक लेना है। तो यहाँ तक लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा, अब क्या है कि थोड़ा ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं लेना जिससे कि वो जंप ना कर सके, थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि वहाँ पर से ही कटा हुआ है, वो रहता है वायर कटा हुआ है, ठीक है। तो इतना इतना दूर से ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें लगाते हैं रंग ए पेस्ट, ठीक है। और रंगा लगा के इसमें इसको सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर से, अगर ये थोड़ा सा सड़ गया हुआ तो वो काम करेगा। देखिए अब ठीक हो गया है, ठीक है, अब बीप कर रहा है। और अब उसको हिला के भी चेक कर लेते हैं कि वो हो सकता है कि सिर्फ दिखाने के लिए अभी कर रहा हो, बाद में हिल जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हिलाने पर भी बिप बिप कर रहा है आवाज़। और इसको चेक कर लेना है कि भाई जंप करने पर ये कटेगा तो नहीं ना। हाँ ठीक है, जंप करने पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो जब भी ये स्पीकर जब लगता है ना तो थोड़ा सा अलाइनमेंट टेढ़ा होने के कारण इसका, उस कारण से ये ऐसा हो जाता है। अगर लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है, इस बुफर में बहुत दिन चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हैं वायर को तो पतला वाला वायर नहीं लगाएं इसमें, जो ये वायर आता है इसका जो मोटा वाला वायर है जो इसमें लगने वाला बूफर वाला वही लगाएं, ठीक है। नहीं तो फिर वो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग वापस में लगा देते हैं और उस पर ऑन करके देखेंगे कि ऑन काम कर रहा है कि नहीं। इसमें सोल्डिंग कर देते हैं। और उसके बाद फिर इसको भी सोल्डिंग कर देते हैं, ये ब्लैक वाला वायर को। ये दोनों वायर सोल्डिंग हो गया, देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से भी इसको लगाए, सोल्डिंग की है तो यहाँ भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि ये बिप बिप कर रहा है कि नहीं, पता चलेगा लगने के बाद नहीं हुआ, ठीक है, कर रहा है। अब हम लोग इसको वापस जैसे खोले थे वैसे ही टाइट कर देंगे, तो उसको हम लोग टाइट करने का एक ही तरीका है, जैसे खोले थे वैसे ही टाइट करना, और क्या। तो इसको ये वाला जो है ऊपर ही रहने देते हैं, वायर का है कि ऊपर है, और इसको लगा देते हैं जैसे हम लोगों ने इसको खोला था वैसे ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा लेकिन इसको बनाने सीखना है तो देखिए ज़रूर, ठीक है। अब हम लोग इसको स्पीकर को टाइट कर देते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो अब देखिए इसमें जो पूरा जैसे लगा हुआ था वैसे हम लगा दिए हैं, और यहाँ पर अब हम सटा के देखते हैं सिग्नल वाले में, जो सिग्नल इन होता है। देखिए देखिए काम कर रहा है, देखिए ठीक
ठीक है, अर्थिंग अच्छा से मिलेगा तो ये ज़्यादा आवाज़ करता है, पैर सटाए हुए ज़मीन में हम तो, और इसको भी पकड़े वगैरह, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो नहीं आएगा आवाज़, सर सटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए ये आवाज़ कर रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, अब कितना दिन चलेगा वो देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो तो पता चल ही जाएगा कि वायर कट गया वहाँ से, लेकिन वायर ठीक है, हो गया है सोल्डिंग होके वो। ठीक है देखिए, ठीक हम लोग उसको जैसे था उसे लगा देते हैं, और इसके बाद हम दिखाएंगे कि ब्लूटूथ कैसे लगाना है इसमें छोटा वाला वो। ठीक है, तो उसके लिए पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं वापस, और उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें ब्लूटूथ आप इजीली कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी हम लगा के बंद कर सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए आपको उस प्रकार से दिखाना चाहिए, ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लगा देते हैं जैसे खोले थे, और ये बन गया है, बूफर का काम हो गया है। तो ये वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि बूफर, ये जो ब्लूटूथ है उसको कैसे ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं जिसमें इसमें ब्लूटूथ ऐड करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो भी जाके आप देखिए, आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें बारीक बारीक चीज़ है वो चीज़ देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैंने पूरा लगा दिया है, और इसमें अगर हम लोग छू के देखते हैं, अब इसको स्पीकर का भी कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो इस पर स्पीकर का आवाज़ आएगा देखिए, ठीक है, दूसरा भी आ रहा है, और ये बूफर वाला भी हमिंग का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, मतलब वो ठीक हो गया, बजाने के बाद पता चलेगा कैसा बजता है। मेरे पास वो जैक नहीं है इसका, वो 3.5 mm जैक वाला सिस्टम नहीं है, तो इस कारण से नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये जो बूफर है वो बन गया पूरा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्लूटूथ कैसे इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए इसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है, ये भी बेस भी ठीक हो गया है। ठीक है, इसको मैंने लगा लिया है, ये भी लगा लिया है, स्पीकर में आवाज़ आ रहा है। ठीक है, ब्लूटूथ से बज रहा है, ब्लूटूथ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है?